तो की हाल चाल सत्याकाल, मैं हूं न्यून मैन और आज हम बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरी मिनाटी अपने नए वीडियो के बारे में अनाउंस कर चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया, चेंज ऑफ प्लान्स, आई एम गोइंग टू मेक गेम प्ले कमेंट्री फॉर द नेक्स्ट वीडियो, व्हाट डू यू वांट मी टू टॉक अबाउट। तो भाई बहुत टाइम बाद वो अपने चैनल में गेम प्ले कमेंट्री वीडियो बनाएंगे, लेट्स सी वो किस टॉपिक के ऊपर होता है। एंड ऑल्सो कैरी मिनाटी से रिलेटेड एक और स्टोरी है। टाइम कैरी मिनाटी के ऊपर एक आर्टिकल लिखे है जिसमें वो कैरी मिनाटी के पूरे यूट्यूब करियर के बारे में बात की है। एंड ऑल्सो कैरी मिनाटी अपना सजेशन दिए टू द पीपल। सो अगर आपको ये आर्टिकल रीड करना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू वीडियोस, तो आशीष चंचलानी भी अपना नया वीडियो अनाउंस कर चुके हैं। वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये लिखे, वर्क ऑन नेक्स्ट वीडियो हैज बिगन, आई हैव पुट माय हार्ट आउट इन दिस वीडियो, इट्स फॉर यू ऑल, विश मी लक, होप यू ऑल लव द वीडियो। तो आपको याद होगा आशीष चंचलानी जो लास्ट अपना वाइन वीडियो अपलोड किए थे उसमें काफी हेट मिला था उनको। सो लेट्स सी वो कैसे रिकवर करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले MJ5 एंड श्रेय खन्ना के बारे में। तो श्रेय खन्ना कल अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया, Why I left MJ5 fame, श्रेय खन्ना MJ5 ex choreographer, deleting my YouTube channel, who? इस वीडियो के स्टार्टिंग में वो अपने बारे में पूरा हिस्ट्री बताए श्रेय खन्ना एंड MJ5 के बारे में। तो वो बताए कि MJ5 पहले एक ही ग्रुप था, दो को फाउंडर्स थे, बट 2015 में दोनों स्प्लिट हो गए ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। तो यहाँ श्रेय खन्ना अपना ग्रुप स्टार्ट कर दिए। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट ग्रुप आई एम टॉकिंग अबाउट डांस ग्रुप। फिर ये सब चीजें के बारे में बात करने के बाद वो बताए कि उनके यूट्यूब चैनल में दो स्ट्राइक आ चुके हैं एंड ये स्ट्राइक दिए MJ5 चैनल ने। वो अपने यूट्यूब स्टोरी में कुछ प्रूफ्स भी दिखाए थे। एंड आगे वो बताया कि खाली यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि उनके फेसबुक पेज को भी टारगेट किया जा रहा है भाई MJ5। एंड उनके फेसबुक वीडियोस में कुछ वीडियोस जो वायरल थे उन्हें भी डिलीट करवा दिया जा रहा है। एंड वन ऑफ दोस वीडियोस हैड 125 मिलियन व्यूज। सो अभी तक MJ5 इन चीजों के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किए, अगर वो कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो चलिए अभी गेमिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बारे में। आई नो बहुत दिनों से मैंने अपने चैनल में कुछ गेमिंग न्यूज नहीं डाला, इट्स बिकॉज कुछ इंटरेस्टिंग चल ही नहीं रहा था। बट अब से आई मेक श्योर कि हफ्ते में एक दो वीडियोस में तो मैं गेमिंग न्यूज जरूर डालूंगा। सो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का अर्ली एक्सेस आ चुका है जो लोग प्री रजिस्टर किए थे। नाउ नोट दिस कि सबको नहीं मिला इंस्टॉल करने का ऑप्शन, इट इज ओनली अवेलेबल इन अ फ्यू कंट्रीज। सो डोंट वरी अगर आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं इसको, आई थिंक कुछ ही दिनों बाद जब टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा तब ये लॉन्च हो जाएगा प्ले स्टोर में। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंकिता सी ने कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, देन एम्परर प्लेस ने भी कंप्लीट कर चुके 100K सब्सक्राइबर्स, देन टैटी कंप्लीट कर चुकी है 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन घोष सीरीज को मिल चुका है अपना सिल्वर प्ले बटन, एंड फाइनली इंडी कोडर को भी मिल चुका है अपना सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो भाई आज भी काफी इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल न्यूज है तो देखना जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले दो लोग के बारे में, ट्रिशा पेटिस एंड निको कार्डो एवोकाडो के बारे में। तो कुछ दिनों पहले निको कार्डो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड की है एक्सपोजिंग ट्रिशा पेटिस विद रिसीट्स। तो करीब 2 साल पहले निको कार्डो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे जो कि एक ट्रिशा पेटिस के सॉन्ग का एक वायलिन कवर था। इस वायलिन कवर के ऊपर वो बहुत मेहनत किए थे एंड जब वो ये वायलिन कवर अपलोड किए थे तब वो बहुत छोटे क्रिएटर थे एंड ट्रिशा पेटिस वाज लाइक वेरी ह्यूज क्रिएटर। सो ट्रिशा पेटिस को ये वायलिन कवर बहुत अच्छा लगा, वो कमेंट करके भी बताया कि बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, एंड देन वो ट्वीट भी की कि कोलैब करना चाहिए हम लोग को। सो उसके बाद निको कार्डो एंड ट्रिशा के बीच में बात होने लगा एंड ट्रिशा निको कार्डो को बुला ली LA में फॉर अ कोलैब। एंड जब निको कार्डो आ गए LA तब ट्रिशा उनके मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दी। लिटरली निको कार्डो बार बार पूछे जा रहे थे आई एम हियर, 3-4 दिन से वो मैसेज किए जा रहे हैं एंड वो रिस्पॉन्ड ही नहीं की। तो फिर फाइनली उनको घर वापस जाना पड़ा एंड माइंड यू वो कोलंबिया से LA गए थे जस्ट फॉर दिस कोलैब एंड ट्रिशा उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं की। एंड इसके बाद जब भी ट्रिशा के फैंस उनसे पूछते थे कि निको कार्डो के साथ उनका कोलैब वीडियो क्यों नहीं आया तो वो उल्टा फुल्टा चीज बोलने लगी। वो निको कार्डो के बारे में बहुत गलत गलत चीजें बोलने लगी। वो बोलने लगी कि निको कार्डो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, वो स्टॉक कर रहे थे ट्रिशा को, ये सब चीज बोलने लगी। इस चीज के ऊपर बात करते हुए वो एक रिस्पॉन्स वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल में लेकिन ज्यादा लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। वो घुमा फिरा के बात कर रही थी इस वीडियो में। तो वो निको कार्डो के वीडियो के बाद वो काफी सब्सक्राइबर्स भी लूज की। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं जेफरी स्टार के बारे में। सो अगर आपको याद होगा मैं जब जेम्स चार्ल्स के ऊपर स्टोरी कवर किया था तब मैंने आपको जेफरी स्टार का भी ओपिनियन बताया था। जेफरी स्टार बहुत ही अगेंस्ट थे जेम्स चार्ल्स के एंड वो अटैक कर रहे थे उनको, बट उसके बाद उनके बहुत सारे पुराने ट्वीट सर्फ कर रहे थे जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो फिर ये ट्वीट्स देखने के बाद बहुत लोग इनसे भी क्वेश्चन करने लगे कि भाई आप भी तो जेम्स चार्ल्स टाइप ही बिहेव करते थे। एंड जब से उनके पुराने ट्वीट्स दिखने लगे वो बहुत सारे ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। एंड काफी लोग अब जेम्स चार्ल्स को डिफेंड करते हुए भी वीडियो बना रहे हैं जैसे कि आई एम एलेक्स भी अपलोड किए, जेफरी स्टार इज इवन वर्स देन जेम्स चार्ल्स। तो रिसेंटली ड्रामा अलर्ट अपने चैनल में बताया कि वो जेफरी स्टार से कॉन्टैक्ट किए एंड जेफरी स्टार बहुत जल्दी उनके चैनल में इंटरव्यू देंगे इस चीज के बारे में, इन सारे चीजों के बारे में बात करते हुए क्लियर करेंगे वो। सो लेट्स सी वो इंटरव्यू कब तक आता है। तो चल दोस्तों आज के लिए बस मेरे पास इतना ही न्यूज है। अगर तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक के बिना कहीं मत जाना।
करना है। आज का लाइक गेम रखते हैं 27,500 लाइक्स। आई नो आप लोग कंप्लीट कर दोगे तो फटाफट कंप्लीट कर देना है। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल में नए हो और सब्सक्राइब नहीं कर तक तो भाई जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं ऐसे आप लोगों के लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहता हूं पूरे YouTube कम्युनिटी से कि भाई क्या चल रहा है इधर। ऑल्सो अगर आपको मेरे को कोई न्यूज सबमिट करना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर आप कोई पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले सबमिट करोगे तो आपको क्रेडिट भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को। एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।